ये कंडीशन पे जी वो कवर जाई आते हैं मनु जाई ना पावे मोक्षम अवश्य मान एक अमेरिकन भारत में आया था दशहरा का दिन जिसके वहां उसको उतरने का था कनेक्शन था उस भारतीय मित्र ने उसको दशहरे के निमित्त में जलेबी की डिश दिया। वो अमेरिका ने पूछा व्हाट इज दिस ये क्या, उसने क्या इंडियन स्वीट भारतीय स्वीट क्या नाम है इसका व्हाट इज द नेम जलेबी। उसने पूछा व्हाट जलेबी मींस ये कैसे होता है, उसने कहा वेरी इजी राउंड राउंड स्टॉप राउंड राउंड स्टॉप राउंड राउंड स्टॉप। पूरे संसार हमारा अमृत काल जलेबी की इशारा चौरासी लाख पूरी में अनंत काल घूमने का एक चक्कर लगाने का एक बार मनुष्य भगवान है स्टॉप यहाँ से हम सीधे मोक्ष में जा सकते हैं, लेकिन हम वहाँ शरीर की चिंता में पड़े मैं अगर जब भिक्षा ले लूँगा तो मेरा शरीर कैसे संभाल सकूँगा, नहीं हमने जाने दिया वापस दूसरा राउंड शो मिला अनंत काल का। जब वापस मानव भोग मिला आर्य क्षेत्र जैन कुल मिला एक दूसरी बार चांस मिला तो आराधना करके मुख में चला आया, लेकिन हमने अगर मैं रिक्शा ले लूँ तो देव शर्मा की तरह मैं रिक्शा ले लूँ तो मेरा परिवार का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, रीजन मिल गया रिक्शा नहीं लिया वापस तीसरा राउंड शो हुआ वापस अनंत काल के चक्कर पूरा हुआ वापस मनुष्य भवन का स्टॉप आया यहाँ से रिक्शा लेकर आत्मा मोक्ष में जा सकती थी वापस बना मिला मुझे करोड़ रुपया कमाना दुनिया को दिखाना है करोड़ इसमें जिंदगी पूरी हुई वापस अनंत काल का संसार शुरू हुआ वापस मनुष्य भव आया वापस मनुष्य भव में एक बार और चांस आया कि तू परमात्मा का शासन पाया है गुरु का स्नातन मिला है एक बार तू आराधना करे तेरा कल्याण हो जाएगा। हमने उस वक्त समाज की चिंता किया नहीं मुझे समाज को बदलना और वापस अनंत काल का चक्कर चालू हुआ जलेबी में तीन चक्कर में पूरा होता है आज तक में हमारा अनंत चक्कर में पूरा नहीं हमारी जलेबी बहुत बड़ी हो गई है। बात यह कि जब जब अनंत काल में एक बार मनुष्य भोग मिलता है अल्पकाल मनुष्य भोग का है अगर भूतकाल आज तक में जितना भूतकाल गया वो भूतकाल यानी 24 घंटा मानो एक क्राफिकली भाषा में बात करो तो आज तक में जितना भूतकाल गया अगर वो 24 घंटा है 24 आवर्स है तो उसमें से ये 24 घंटे में से 23 घंटा 23 घंटा 59 मिनट और 59 सेकंड कितना बचा भी एक सेकंड बचा ये बाकी का पूरा काल 23 घंटे में गया 23 घंटा 59 मिनट 59 सेकंड जितना काल मात्र 23 घंटे में उसमें भी ज्यादा था लेकिन एक सेकंड जितना काल है मानो उसके फ्रैक्शंस करो उसके फ्रैक्शन करो 1000 अगर फ्रैक्शन करो तो उसमें से 500 फ्रैक्शन डेवलप में गया 499 सेक्शन नरक में गया अभी कितना बचा 24 घंटे में 24 घंटे में एक सेकंड का 1000वां भाग कितना काल मात्र मनुष्य बनने में गया। आज तक में मनुष्य भोग को इतना ही मिला है जिसमें ज्यादा था अनाजल इसमें गया क्योंकि 32,000 राज्य होते तो उसमें से 25 मात्र 35.5 इतना ही आर्य देश है बाकी सब अनाजल यानी ज्यादातर मनुष्य भोग का भी ज्यादातर समय गया अनाजल देश में
अभी आर्य देश की बात करो तो आर्य देश में भी अनार्य ज्यादा है आर्य कम। जिनको धर्म के साथ कोई नाता रिश्ता ही नहीं है, कंप्लीटली नास्तिक है। नेक्स्ट लाइन, ऐसे लोगों की बहुमति है जिनको आर्य कहा जाए कि जो पाप को मानता है, पुण्य को मानता है, आत्मा को मानता है, पर्व को मानता है, वो आर्य माना जाए। तो आज की भाषा में बोलो 7 करोड़ व्यक्तियों में परलोक को सही ढंग से मानने वाले कितने हैं? 70 लाख पर जीव जैन है, 70 लाख वो भी सब नहीं मानते। 70 लाख जो जैन भी पूरे नहीं मानते, यानी कि परलोक को मानने वाले कितने? वो परलोक को मानने वाले में से मुझे मेरा जीवन आराधना में बिताना है। व्यापार धंधा तो हमेशा करता ही रहा हूं, जिंदगी भर ये चलता रहे, मुझे मेरी आत्मा का कल्याण करना है, ऐसी भावना वाले कितने? और ऐसी भावना में भी मुझे साधु ही होना है, ऐसी भावना वाले कितने? 24 घंटा बुद्ध का समझो तो उसमें एक बार भी हमको दीक्षा लेकर मेरी आत्मा का कल्याण करना है ये भाव उत्पन्न नहीं हुआ। यानी पूरा 24 घंटे का काल जीने से जगने भव पूर्ण आया। रत्नाकर 25 में ये शब्द का यूज किया, जीने से जगने भव पूर्ण आया। आज तक का मेरा पूरा भूतकाल संसार के खंडे को पूरा करने के लिए गया, यानी उसमें मैंने दूसरा कुछ नहीं किया है। जब मैंने रिक्शा लिया तो भी मेरी आत्मा की भावना से नहीं लिया था, जब भी मैंने रिक्शा लिया तब भी विश्वयोग के लिए लिया था। अगले वो में मुझे देवलोक के उत्कृष्ट गति के विषय की प्राप्ति हो इस आशय से लिया था। ये भव में लोग मेरी पूजा करें इसके लिए लिया था। भोजन पानी भावा अच्छी तरह से उसके लिए लिया था। मेरी आत्मा का कल्याण करने के लिए मैंने आज तक कभी भी वैराग्य भाव से दीक्षा नहीं लिया था। भगवान कहते वैराग्य होना, दीक्षा लेना, वैराग्य से दीक्षा लेना, ये अत्यंत अत्यंत अत्यंत। बस बाकी का हमारा पूरा समय जलेबी बनाने में चला जाए, बस यही याद रखिए हमारी जिंदगी हुई है। और इसीलिए उपदेश वाला कार कहते एक दिन भी जीवो क्या ताकत है सही हमकी चाहिए की अनंत काल संसार का भोग का, अनंत काल भोग का और एक दिवस चाहिए का। आज तक का अनंत काल भोग दुनिया में गया, पाप की दुनिया में गया, सुखी होने के नाम पर दुखी होने में गया, मुरुग जल के लिए दौड़ते हुए मुरुगले की तरह मेरी जिंदगी आज तक की पूरी हुई। ये भोग की दुनिया, भोग की कल्पना की दुनिया, एक बार का भोग अनंत काल के दुख, इस भूमिका में अर्थ का अनंत काल गया। ये अनंत काल मात्र पाप में गया, उसके सामने एक दिन चाहिए था। आज सुपा सुना दुकान का रिक्शा कल्याण कर लिया, भूतकाल में सुपा सुना दुकान ने किसी व्यक्ति के साथ किसी व्यक्ति से के साथ किसी भी प्रकार का बिगाड़ा नहीं। भूतकाल के भव में भी सुपासना भगवान ने सभी के साथ प्रेम भरा, मैत्री भरा व्यवहार किया था। इसलिए सुपासना भगवान को दीक्षा से केवल मन के बीच में एक भी उपसर्ग नहीं हुआ। किसी ने सुपासना भगवान को कष्ट देने की चेष्टा नहीं की। इसके पीछे कारण यही है कि भूतकाल के भव में भी सुपासनाथ भगवान का जगत के साथ का व्यवहार इतना प्रेम भरा रहा है कि उनको कोई उपसर्ग नहीं आया। उपसर्ग मात्र 2 तीर्थंकर को ही आया है, पार्श्वनाथ परमानंद से। पार्श्वनाथ को उपसर्ग एक ही आया कमत का, जब पहले बोसे वेरे कर लिया। और महावीर स्वामी को तीनों प्रकार के उपसर्ग आए, देवकृत पुरुषकृत क्रिया तीनों प्रकार के उपसर्ग आए। क्योंकि भूतकाल के भाव में भगवान महावीर स्वामी ने बहुत सारे वरिष्ठ जीवों के साथ नाता रिश्ता बिगाड़ा था, सब अंतिम भाव में महावीर स्वामी भगवान के साथ हिसाब पूरा किया। और इसलिए भगवान महावीर स्वामी को बहुत उपसर्ग आया। पार्श्वनाथ भगवान को एक उपसर्ग आया, 22 तीर्थंकरों में एक भी तीर्थंकर को उपसर्ग नहीं आए। ऋषभ भगवान को 400 दिन का उपवास हुआ, वो एक अंतराय कर्म था, उपसर्ग। सुपासना दादा को भी उपसर्ग का कोई नहीं आए। सुपासना भगवान बता रहे आप ये भाव में मात्र प्रेम का बीज बोने का, मैत्री का बीज ही बोने का, सभी के साथ अच्छे व्यवहार का ही बीज बोने का, भविष्य में आपको कभी भी कहीं भी किसी की ओर से कोई प्रॉब्लम नहीं आए।
उपासना भगवान हमको बता रहे हैं। ये अंत में तो दीक्षा ही लेने जैसी है, राज्य भी छोड़ने लायक और अरब की संपत्ति छोड़ने लायक, महल की सुविधा छोड़ने लायक, अत्यंत रूपवती सती जैसी स्त्री पत्नी छोड़ने लायक, बिल्कुल आज्ञांकित समर्पित संतान छोड़ने लायक। अधिकारी वर्ग प्रजा वर्ग चाहते हैं उनके प्रति प्रेम रखते छोड़ने लायक। उन्होंने एक ही बात बताई, सुपासनाथ दादा ने इसी बात एक ही बात बताई, तब पोती के श्रेष्ठ पोती का मिला है उनको राज्य मिला है छोड़ दिया, राज्य में कोई प्रश्न नहीं था। जब तक सुपासनाथ भगवान राजा के रूप में रहे, जब तक सुपासनाथ भगवान राजा के रूप में रहे, वो जितने काल साल तक राजा के रूप में रहे उनके राज्य में अकाल मरण नहीं, उनके राज्य में अकाल की परिस्थिति नहीं, उनके राज्य में अतिवृष्टि नहीं, उनके राज्य में किसी के राजा का अटैक हमला हुआ कभी कुछ नहीं हुआ। जब तक सुपासनाथ भगवान राजा के रूप में रहे, सुपासनाथ भगवान को किसी के साथ युद्ध करना पड़े, किसी ने विरोध किया है तो उसको दंड देना पड़े, कोई बेचारा अकाल मर गया उसको आश्वासन देना पड़े, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो सुपासनाथ भगवान का एक अनन्य कोटि का पुण्य, तो इतना अद्भुत कोटि का राज सत्ता भगवान ने कहा, इतनी अद्भुत भी राज्य सत्ता छोड़ने लायक। सुपासनाथ भगवान का भंडा इतना भरा हुआ था और इनको भी वृष्टि करते ही रहते, रोज का 1,08,00,000 सोना मन का दान देने के बाद भी भरपूर समृद्धि बचे, इतनी समृद्धि थी, कोई कमी नहीं थी, भगवान को कोई कमी नहीं थी, भरपूर समृद्धि थी। सुपासनाथ भगवान से छोड़ने लगे, हमारे पास नहीं है तो हम भाग रहे हैं, चाहिए चाहिए चाहिए, इतना तो और चाहिए, इतना और चाहिए, हमारी तो गलती है चलती है, देयर इज नो एंड। जो संपत्ति के मार्ग में चलता है उसको रास्ता कब बंद होता है, जब होता है। संपत्ति के रास्ते पर दौड़ने वाले का रास्ता तब बंद होता है जब मरता है। या तो लड़का कह रहे पापा अभी आपको दुकान में आने की जरूरत नहीं, आप आकर डिस्टर्ब करते हो, आप घर में रहो, उपवास में रहो, स्वाध्याय करो, जाप करो, समय करो, आप घर में रहो। या तो मत आती है या तो लड़का कहता है कि बंद करो, तब जाकर बंद होता है। पूछो मुझे तो मैं तो अभी भी इच्छा करता हूँ दुकान में जाना है, धंधा करना। यह आज तक की हमारी स्थिति। भगवान कहते हैं इतने अरबों की संपत्ति भी छोड़ने लगे। भगवान को रोज सुबह घर वाले के साथ कितने मिठाई मारी होती होगी, सुबह से धमाधमी सब होती होगी, कर सकता हूँ। सुबह सुबह में आपके घर में जो धमा चौकड़ी चलती है, धमाधम चलता है, लड़के को स्कूल जाना है, पिताजी को दुकान जाना है, मम्मी को स्कूल हिरा सोर जाना है, तो जो धमाधमी बच्चे भूल चुप में हम उस वक्त गुच्छी के लिए आ गए तो अभी भी क्या सुबह सुबह से धमा चौकड़ी चालू होती है, वो पत्नी पति को उठाने की कोशिश करती है, उठो उठो उठो, और पति ने 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 ने, फिर पत्नी अति से गुस्से में आ जाती है, क्या आपके साथ शादी किया, मेरी मम्मी तो दूसरे लड़का कहा था लेकिन मैं मुर के क्या आपके साथ शादी कर रहा हूं। पति बोलते पत्नी कहते वो बेचारा भाग्य सारी तरह फंस गया। ये आपकी सुबह से रात तक की स्टोरी चलती है, हाई कैन फाइट उन पे होता है फाइट, ये हमारी जिंदगी। मैं पूछता हूँ भगवान सुपासनाथ को जितनी रानी मिलती कौन सी रानी भगवान के साथ मुरत में थी, मैं भगवान के साथ खटपट कर रही थी, सब रानी भगवान को समर्पित सती समान, इतने सुंदर रानी होने पर भी भगवान के लिए छोड़ने लायक, भगवान के तो वो भी छोड़ने लायक। भगवान के संतान आज अपने लड़के को कुछ कह सकते नहीं है, अगर आप कहो उसको कह लाओ तेरा मोबाइल बोल पासवर्ड बोल मुझे चेक करना है, लड़का देगा नहीं, पापा आपका आपका नाम संभालो, आपका आपका मोबाइल तो मुझे। आज लड़के को आप कुछ नहीं कह सकते,
लड़का धाम धाप करके सामने जवाब दे देता है, खड़ा करके बोल देता है, कितना भी वो लड़के को आप कितनी भी शिक्षा पूरी करो और फिर भी एक इच्छा पूरी नहीं किया या उसको डिस्टर्ब किया, पापा मेरे को पानी, वो लड़का बोल देता है, लड़का जरा जरा बोल दिया आपने, इंस्टॉल कर दिया तो सीधा सुइसाइड, मर जाऊंगा, ये भूमिका पर चला जाता है। एक लड़के को बड़ा करना कितना टेंशन का काम है आप लोग जानते हो, कैसे बड़ा करना, उनकी इच्छाओं को पूरी करते करते बेचारे माता पिता थक जाते हैं। एक लौता लड़का है, बहुत प्रेम है और इसके लिए वो ये इच्छा करता है, वो ये इच्छा करता है, वो ये इच्छा करता है, पूरी करते जाओ, पूरी करते जाओ, अगर पूरी नहीं किया तो साथ में धना धनी वो लड़का झगड़ा कर देता है, भाग जाने की धमकी देता है, एक टेंशन ही टेंशन लड़का भूतकाल का। आप समझ लो, जिनको एक लौता लड़का है उन लोगों को समझ लेना है कि वो लड़का आपका भूतकाल का लेनदार था, देनदार नहीं था। लेनदार देनदार की भाषा समझते ना, लेनदार देनदार की भाषा तो आप समझते हो। जिसको एक लौता लड़का है ज्यादातर वो लड़का लेनदार है, 20 साल 25 साल तक वो अपना लेने के नाम पर आपके पास उठाई करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, कोई इच्छा के लिए, कोई स्टडी के लिए, कोई ट्यूशन कोचिंग देखने के लिए आपके पास बस उसकी उगाई चलती रहेगी। 25 साल में आपने अपने लड़के के लिए करोड़ों रुपए का खर्च कर दिया और बाद में वो लड़का कहता है पापा हम अलग रहने जाएंगे, हमको आपका कोई रहता रिश्ता नहीं, ये लेन जारी खुली। जब तक वो साथ में रहता है तब भी रोज 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 धमा चमड़ी चालू रहती है। लड़के जो लड़का जो प्रवृत्ति करता है वो माता पिता को इष्ट नहीं है, माता पिता जो है वो लड़के को मन जोड़ रही है, धमाधमी सुबह से रात तक चलती रहती है। एक लड़के को बड़ा करना पसीना उतर जाता है, ऐसी परिस्थिति का जब हमारे सामने निर्माण है सुपाश्वनाथ भगवान के जितने राजकुमार सारे के सारे राजकुमार पिता के आज्ञा की विनीत थे, एक भी राजकुमार ने कभी पिता की एक बात का भी विरोध नहीं, इतने आज्ञा की विनीत समर्पित इतने राजकुमार थे। भगवान कहते ये भी छोड़ने लायक, ये भी छोड़ने लायक थे। मैं ये सब बात इसलिए कर रहा हूं टॉपमोस्ट मिला था भगवान को, संसार की दृष्टि से भगवान को टॉपमोस्ट मिला था, फिर भी भगवान एक ही बात करते हैं वो भी छोड़ने लायक है, आप छोड़ो तो आप धन्यवाद पात्र है, आप नहीं छोड़ेंगे तो भविष्य में जब स्मशान यात्रा निकलेगी आपको छोड़ना पड़ेगा। जो छोड़ता है उसका वर्गोला निकलता है, जिसको छोड़ना पड़ता है उसको टाइट बांधा जाता है। आप समझ लो हमारे सामने विकल्प है कि हमको क्या करना है। तो बात यह है अनंत काल के संसार में अनंत बार हमको चांस मिला, संसार के भयंकर स्वरूप परमात्मा ने बार बार बताया है, यह संसार याने क्या कितने प्रकार की भूमिका वर्णन किया है। अध्यात्म सार नाम के ग्रंथ में संसार की एक एक जुम्मा दी गई है, संसार कैसा है तुझे पागल खाना है जैसा मेड हाउस, जिसने संसार में बैठे सब पागल खाने में बैठे, जैसे पागल को अक्कल नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं, उसका नतीजा क्या हो सकता है ज्यादा तो लोगों को पता नहीं है। मैं संसार में सुखी होने के नाम पर उल्टा पुल्टा जो करता रहता हूँ, सब झूठ जो करता रहता हूँ, उसका भविष्य में मुझे नतीजा क्या आएगा ज्यादातर तो पता नहीं है और पता करने का मन भी नहीं है। और इसलिए कहा जाता है संसार पागल खाना, संसार को उपमा दी गई है जेल की उपमा दी गई है, संसार यानी जेल, जितने हमारे स्वजन है वो चौकीदार है, चौकीदार का काम है जेल में जो रहा है उसको भागने का चांस नहीं देने का। चौकीदार क्या करता है, चौकी करता है, एक भी कैदी भाग जाना चाहिए नहीं। और अध्यात्म सार में कहा हमारे स्वजन चौकीदार है, हमारा लड़का हमारा भतीजा हमारा भानेज भूल चुक से संसार के जेल में से भागकर साधना के मार्ग में जाना नहीं चाहिए, वो स्वजन हमारे चौकीदार है, खबरदार गया है। इस संसार को जेल की उपमा दी,
कि जहां केड़ी अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता है। संसार की परिस्थिति इस प्रकार की है कि संसार में बेचारा जीव कितना भी चाहता है, वो चाहता है कि मुझे समय करना है, लेकिन वो समय नहीं कर सकेगा। एक बार समझ लो, आप एक बार कोशिश करना है तो करना। दुकान का धंधा जब चालू है और आप साढ़े नौ से साढ़े दस का व्याख्यान हो गया, उसके बाद में आपको मन गया ऐसे तो रोज दुकान पर खाने खाएं, चलो आज समय करता हूँ। और साढ़े दस के बाद भी आप समय करने देते, साढ़े दस से साढ़े ग्यारह समय करिया, साढ़े ग्यारह से साढ़े बारह समय किया, और देखो घर में क्या धमाल हो जाएगी, घर वाले आएगी क्यों भाई इधर क्यों बैठे, दुकान में नहीं जाना है, दुकान नहीं जाना है, दुकान तो हर बार है, समय करना है तो टेंशन में आ जाएंगे आपके स्वयं तो पता चल जाएगा। अरे वो तो समय ही करता रहता है, सब आएंगे आपकी तो धूल निकालेंगे, धूल हमारे निकाल महाराज, उसको समझाओ आप इसे, उसको कैसे समय करते, उसको कहा दुकान है घर परिवार है, उसको आगे संभाल दीक्षा ही लेनी थी, साथ परिवार क्यों बनाया, धन सब हो जाएगा। एक आप दो चार समय भी करो, आपको पता चल जाएगा संसार वाले लोग आपको कैसे खा जाएंगे। संसार जेल है, जेल जहां स्वजनों का काम एक ही है, पाप कार्य करना है तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन तू समय करना चाहेगा, तू आराधना करना चाहेगा, तू जरा भी गुरु महाराज के साथ संपर्क करना चाहेगा, पूरे सजन को खा जाएंगे। संसार आपके जल की भूमिका ये है, पाप खुशी से करो, पुण्य करने का अवसर नहीं मिलेगा, आराधना करने का अवसर नहीं मिलने वाला है, ये आपके लिए चांस है ही नहीं। संसार को जेल की पानी, संसार पागल खाना है, संसार जेल है, संसार को रेगिस्तान कहा गया, सहारा का रेगिस्तान, जिस तरह से वो रेगिस्तान में मात्र रेत ही रेत है, कहीं हेत नहीं है, रेत है हेत नहीं है, ये संसार में हर जगह पर श्राप है, प्रेम नाम की चीज नहीं है। जो प्रेम की बात करते हैं वो प्रेम के नाम पर अपने श्राप की ही बात करते हैं, उनका प्रेम भी सार पर लटका हुआ है, जिससे सदा करेगी सामने मात्र रेत है, कहीं हेत यानी प्रेम नहीं है, पानी नहीं है, संसार में कहीं भी सच्चे उनका प्रेम नहीं। जैसे रेगिस्तान में मात्र भ्रमणा है, यहां पानी होगा गए नहीं, वहां पानी होगा गए नहीं, वहां पानी होगा, रेगिस्तान में मात्र पानी की कल्पना है, पानी नहीं है, संसार में सुख की कल्पना है, सुख नहीं। बेचारा भागता ही रहता है, भागता रहता है, वो मानता है स्टडी करूंगा मेरी करियर ब्रेक हो जाएगी, मैं सुखी हो जाऊंगा, वर्षों तक स्टडी करता है, स्टडी करने के बाद दुकान खोलूंगा या डॉक्टर बनूंगा मैं सुखी हो जाऊंगा, डॉक्टर बनता है सुबह से रात लौटता रहना पड़ता है, दुकान खिला तो घरा घरा घरा, वो समझते कि शादी करूंगा सुखी हो जाऊंगा, शादी करता है लेकिन टेंशन बढ़ गया, पहले टू व्हीलर था अभी फोर व्हीलर हो गया, अभी टेंशन और बढ़ गया, डबल मेहनत कर, वो समझता है कि एक लड़का हो जाए, एक प्यारा लड़का मैं सुखी हो जाऊंगा, लड़का हो गया लेकिन लड़के को बड़ा करने में भारी पड़ गया, संसार यानी एक गधा चलता नहीं था, एक गधा चलता नहीं था तो कुम्हार ने चलाने के लिए बहुत मारने कुछ कोशिश किया, गधा चलता ही नहीं है, गधा है वो, इसे कोई चलने वाला नहीं है, उसको मारा कूदा नहीं चलता, किसी ने क्या मारने करने की जरूरत है, मैं तेरे को उपाय बता रहा क्या, तो क्या लकड़ी है, लकड़ी के आगे दो गाजर लगा दे, वो लकड़ी है ना वो गधे की पीठ के साथ बांध दे, वो गधे को एक फुट दूर गाजर दिखाई देना, वो गाजर देखेगा वो तो भी नहीं चलेगा, और उसने ऐसा किया गधे को लकड़ी बांध दी, लकड़ी ऐसी लंबी थी वो गधे को बराबर दो गाजर अपने नजर के सामने दिखा रहे, लकड़ी अपने पर बांधी हुए दो गाजर दिखाई रहे, और गधा बोला ये गाजर ये गाजर ये गाजर, वो बेचारा गाजर गाजर के नाम पर लौटता जा रहा है, जो मार खाने से ले चलता था वो गाजर की आशा में लौटता जा रहा है। भगवान ने कहा ये सारे संसार के लोग बेचारे, क्या बोलना क्या बोलना,
रेगिस्तान, संसार रेगिस्तान, जहां मात्र गर्मी ही है, भयंकर पति की गर्मी, यानी कि भयंकर पति के टेंशन, भयंकर पति की चिंता, भयंकर पति का प्रयास, स्वतः गर्मी। भगवान ने संसार भगवान ने संसार को जिसका अंत नहीं दिखाई देता है ऐसे घरे पूरे कुमार अंधकूप, जिसको कहा जाता है अंधकूप, जिसको उन्हें जागने पर उनका अनफक नहीं दिखाई देता है, इतना घरा 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 जो कुआ होता है उसको कहा जाता है अंधकूप। भगवान कहते हैं संसार अंधकूप समान है कि जहाँ चारों गति में घूमते हुए जीवों को कहीं भी दुख का अंत दिखाई नहीं दे रहा, कहा मेरा दुख का अंत होगा, ऐसे अंध कुएं में अब सब पड़े थे, शायद शायद थोड़ी कुछ आराधना करते होंगे, शायद करते होंगे, तो भी हमारी स्थिति कैसी है, एक पजल जैसी भूमिका है। एक कुआ में 30 फुट गहराई पर एक मेंढक था, सुबह में 3 फुट ऊपर आता है, रात को 2 फीट नीचे जाता है, सुबह में 3 फुट ऊपर आता है, रात को 2 फीट नीचे जाता है, 30 फुट की गहराई पर वो मेंढक था, वो मेंढक बाहर कब आए, रोज 3 फुट ऊपर आता है 2 फीट नीचे जाता है, 3 फुट ऊपर आता है 2 फीट नीचे जाता है, 3 फीट ऊपर आता है 2 फीट नीचे जाता है, वो मेंढक बाहर कब आए, तो बोलो 28वें दिन बाहर आ गया, 27 दिन में 27 फीट ऊपर आ गया, 28 में 3 फुट पर बाहर, वो मेंढक 30 फुट जो घरे में था वो 28वें दिन में बाहर आ सकता है, क्योंकि 3 फुट की ऊंचाई पर जाता है, 2 फीट नीचे उतरता है, वो 28वें दिन में बाहर आ जाएगा। एक हम जैसे मेंढक है, कुछ थोड़ा सा पाप पुण्य करते, एक कर्म का पुण्य करते, 10 कर्म का पाप करते, बाहर कब आए। एक मेंढक है 30 फुट पर है, 3 फुट ऊपर चलता है, 2 फुट नीचे उतरता है, 28वें दिन बाहर आएगा। एक हमारी भूमिका है, एक थोड़ी आराधना कर लेते, कोई भगवान की पूजा कर लिया, एक थोड़ी कर लिया, बाकी 24 घंटे पाप करते, एक कर्म आगे बढ़े 10 कर्म पीछे होते, मैं पूछता हूँ हम कब बाहर। हमारी परिस्थिति कब बाहर कहते ये संसार अंधा, अंधा कुआ के समान यह संसार, संसार को तीर्थंकर परमात्मा ने, हमारे सुपार्श्वनाथ दादा ने एक एक जो उपमा बताई, और इसीलिए कहा है कि ये संसार में एक सन रहने दिशा, बोलने से काम नहीं होता है, पहले भगवान निकले तो उत्कृष्ट होती की सामग्री छोड़ते भगवान निकले, और भगवान ने हमको कहा फर्स्ट क्लास छोड़ के मैं निकालू, मुझे तो थर्ड क्लास छोड़ना है, विचार क्यों कर रहा है, भगवान हमको कह रहे मैं तो फर्स्ट क्लास छोड़ के निकल रहा हूँ, टॉप मोस्ट चीज से छोड़ के निकल रहा हूँ, मैं मेरे दोस्तों से तुझे बताना चाहता हूँ, फर्स्ट क्लास है वो भी छोड़ने लायक है, तेरे पास तो सब थर्ड क्लास है, कुछ विशेषता है ही नहीं, तुझे पकड़ के रखने के पीछे कारण क्या है। भगवान कहते हैं एक एक दिन का संसार ये पोषण करने वाले होते हैं, और पोषण करने के बाद आलोचना देते, एक मच्छर की उड़ाना हुआ, हम कहते हैं 20 पानी माला गिरना हुआ, एक ऐसे भय भी आए जैसे हम पोषण करते तो आप आलोचना देते, जो पोषण नहीं करते उनको तो कोई आलोचना नहीं आती, मेरा पोषण कला बन गया सही नहीं, मेरा पोषण कला तब मुझे उसको कहना था मूर्ख तुझे पता नहीं तेरे पोषण में
एक मच्छर की विराधना, दो मच्छर की विराधना, इतना ही पाप हुआ है, इसलिए हम प्रायश्चित दे सकते हैं। जो संसार में बैठा है कुछ दूसरा नहीं करता है, दूसरा कुछ नहीं करता है, प्रतिदिन का 150 उपवास का प्रायश्चित होता है, उनको खा देने जाऊं मैं? जो दूसरा बड़ा पाप करे वो तो अलग, संसार में बैठा है दिन रात लाइट चालू करना, पानी यूज करना, अग्नि यूज करना, वो इतनी विराधना में बैठा है कि एक दिन का संसार 150 उपवास का प्रायश्चित देता है, तो बोल उनको मैं प्रायश्चित कैसे दूं? ये तेरा पोषण में बाकी सब आराधना है, थोड़ी सी पाप थोड़ा सा पाप है इसलिए आराधना दे सकते, भरपूर पाप है उनको आराधना क्या है? एक एक दिन का समझ लो कितनी विराधना है। एक साधु सुबह होता है, प्रतिगमन पढ़ी ले अनुसाध्याय भगवान की भक्ति स्वाध्याय विनय व्यास इसमें पढ़ता है, एक संसारी सुबह होता है, शुरुआत कैसे होती है? सीधी लाइट करो, बाथरूम जाओ, चूल्हा चालू करो, सुबह उठा तब से उसको विराधना 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 चालू हो जाती है। इसके नजर के सामने आ जाए कि सुबह से रात तक मैं जितनी हिंसा करता हूँ, मैं जितना झूठ बोलता हूँ, मैं जितनी चोरी करता हूँ, मैं जितना भी अब्रह्म का सेवन करता हूँ, मेरा जितना परिक्रमा दे एक एक का पाप काउंट करता जाओ, काउंट करता जाओ, काउंट करता जाओ, आपको पता चलेगा कितना पाप है। कोई श्रीमंत का भोजन समारंभ, श्रीमंत व्यक्ति का भोजन समारंभ है और श्रीमंत है, उसको अपनी श्रीमंत बतानी जरूरी है। शादी का प्रसंग है, श्रीमंत के वहां भोजन है कोई 1500 रुपए की थाली, आप 5 दिन में गए, मैं पूछता हूं वो पेट भर का जिनके हो आपको वो भोजन की थाली कितने में पड़ी? आपको वो भोजन की थाली कितने में पड़ी? अगर आप 500 रुपया का चंदा लिखा तो मान के 500 रुपया, लेकिन आप उससे आओ 500 रुपया लिखा के हो तो 5 व्यक्ति जाते हो, जीवने के लिए व्यक्ति नहीं जाता है, 500 रुपया के सामने 5 व्यक्ति जाती है, 1500 मल्टी बाई 5 7500 की थाली जिमती है और 500 रुपया लिखाते हैं। मैं आपको पूछता हूँ वो भोजन की थाली आपको कितने में पड़ी? 2 रुपये। वैसे देखा जाए तो मुफ्त में पड़ी, हाँ अगर 1 रुपया नहीं पड़ा तो बराबर। अभी मैं आपको कहता हूँ आपको भोजन की थाली कितने में पड़ी? 100 रुपये। आप एक कागज लेकर जाओ, साधु को 42 वर्ष से निर्दोष गोची लाने के बाद एक भी दोष नहीं लगा है, इस तरह से गोची लेकर आया है, एक भी दोष नहीं लगे, इसी तरह से लाए स्वर उद्गम का, स्वर उत्पादन का, दशिष्ठा का, 42 वर्ष से बिल्कुल निर्दोष गोची लाया है। वो साधु गोची करने बैठा और गोची करने बैठा कोई चीज उसने से मुंह में डाली, मस्त है, भगवान ने कहा ये उपवास कर ले। राग हुआ एक उपवास का दंड, कोई चीज मुंह में डाली कितनी बेकार है, एक आंबेर का दंड द्वेष किया एक आंबेर का दंड, तो साधु को ही डाले ये सबको है। जब साधु को ही सबको है, अब कागज लेके जाए, हाँ जहां भोजन समारोह में आप जीने जाते हो आपको लगता है कि मोपन का है, रसगुल्लाया मुंह में डाला एक मस्त है, लिखो कागज में एक उपवास, लिखो एक उपवास, दूसरा रसगुल्ला खाया मजा आ गया, लिखो एक उपवास, भजिया खा क्या भजिया, लिखो एक उपवास, और शायद कड़ी आई बराबर नहीं बनी कैसी कड़ी है, देखो एक आंबे, जब बाहर निकलो तो पता चलेगा एक भोजन की थाली आपको कितने में पड़ी, एक भोजन की थाली आपको कितने में पड़ी पता चल जाए। भगवान कहते एक भोजन की थाली भी हमको इतना राग द्वेष कराकर इतने सारे पापों में निमित्त बन जाती है, अभी 24 घंटे का हिसाब करो, अभी 24 घंटे का हिसाब करो कि 24 घंटे में इसी तरह से राग द्वेष करते ही रहते, सुबह से रात तक एक ही धंधा लेकर देते, दूसरा सारा धंधा छोड़ो, एक ही धंधा मेरा चलता है, कभी राग करना, कभी द्वेष करना, कभी रति करना, कभी अरति करना, कभी हर्ष करना, कभी शोक में जाना, कभी अनुकूलता, कभी प्रतिकूलता,
हिसाब सब का करते जाओ, एट द एंड पूरे दिन का हिसाब मिलेगा कितना उपवास कितना अंग। बराबर समझ लो, ऐसे वैसे ये बात नहीं है। और इसीलिए गौतम स्वामी ने स्थापन पर्वत पर जब वज्र स्वामी वगैरह ने पूछा चारित्र वगैरह के बारे में बात, तब गौतम स्वामी ने पुंडरीक कंदरी का जन्म जो सुनाया, 1000 वर्ष का चरित्र धर कंदरी 1000 ईयर्स उत्कृष्ट का आराधक था, लेकिन अंत में शरीर बिगड़ने के नाम पर, त्रिपनल के नाम पर विवेक का भोजन हुआ, आसक्ति गई, आसक्ति आई, संसार की इच्छा हो गई। बड़े भाई पुंडरीक का जो राजवेश ने पहन लिया, राजा बना, एक दिन का संसार, 1000 साल संयम में था, एक दिन संसार में आया, पेट भर के खाया, रात को सूल हुआ, किसी ने बराबर ट्रीटमेंट नहीं किया, भयंकर पति का रौद्र ध्यान हुआ, एक एक को मार लो, मार लो, सुबह लो सबको बता, ये रौद्र जल ने मरा, 1000 वर्ष का संयम था, साफ हो गया, एक दिन के संसार ने उसको साथी नरक मिला दिया। और उसी वक्त उसका वेश पहना था बड़े भाई पुंडरीक ने, 1000 वर्ष में संसार में रहा था, राजा के तौर पर रहा था, राजा यानी महारम्मा परिग्रह, लेकिन एक दिन का चरित्र पाला, गुरु भगवान को मिला, दर्शन हुआ, अम्बेल था, जिंदगी में अम्बेल का तप नहीं किया था, कष्ट इतना सहन नहीं किया था, अम्बेल करने के बाद भयंकर वायु वगैरह हो गया, सूर हो गया, एक रात में उसकी मौत हो गई, एक ही दिन का चरित्र। भगवान कहते के चरित्र की क्या था, अनंत काल भोग का था, एक ही दिन योग का, ओनली वन डे, लेकिन वो चरित्र में भावना में चढ़ गई, वाह प्रभु तेरा शासन, मुझे वेश वेश मिल गया, समन का वेश जो मेरी भावना थी मुझे मिल गया, कितना पवित्र वेश, कोई पाप नहीं, कोई दोष नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई वाह प्रभु कितना सुंदर पति का चरित्र मुझे आज प्राप्त हो गया, मेरे गुरु भगवान ने मेरे पर कितना बड़ा उपकार किया, अरे कंदरी तेरा भी आभार कि मुझे वेश मिल गया, ऐसी भावना में चढ़ गया, एक रात एक ही दिन का चरित्र। रिजल्ट दिया अनुत्तर देव, देव लोगों में सबसे टॉप पति है, भवन पति है, व्यंतर है, ज्योति से ये विराजित संयम वाले को ये तीन होता, आराधना करने वाले को वैमानिक देव, इसमें 12 देवलोक कल्प पढ़ना, उसके बाद में 9 ग्रह, उसके ऊपर अनुत्तर, और अनुत्तर के लिए एक निश्चित बात है, जो अनुत्तर में गया वो ज्यादा से ज्यादा अनुत्तर में से मनुष्य, अनुत्तर मनुष्य होकर मोक्ष में जाएगा, और जो सर्वासीन में गया उसके लिए तो निश्चित हो गया कि वहां से मनुष्य होकर मोक्ष में जाएगा, यानी या तो 3 भोग या तो 5 भोग, उससे ज्यादा होने वाला नहीं है। वहां पहुंच गए पुंडरीक स्वामी, जहां से मात्र पुंडरीक राजा राजा से वहां पहुंच गए, जिसके ऊपर 12 योजन ऊपर ही मात्र मोक्ष, ऐसे देवलोक में पहुंच गए। एक दिन का संसार आपको सब व्यापारी लोग बिजनेसमैन बिग बिजनेसमैन, आपके पास तो दिमाग में सब कैलकुलेशन है, अभी अभी कैलकुलेटर आ गया है, लेकिन ज्यादातर व्यापारी वो कैलकुलेटर में नहीं जाते, वो ना फटाफट कैलकुलेशन कर लेती है, ये चीज का भाव क्या है, तो क्या 500 रुपये किलो, 10 किलो ले जाओ, 5000 रुपये वहाँ सीधा आप कैलकुलेशन कर लेते हो, और उसके बाद आपका गणित भी चलता है, 500 रुपये का चिट्ठी 50 रुपये की कमाई होने जाती, 10 किलो 500 रुपये की कमाई होती, फटाफट आपका हिसाब चलता रहता है, बराबर है, आपका गणित बहुत फास्ट चलता है, आप सीधे सीधे प्रॉफिट लॉस की गिनती करें तो कितना प्रॉफिट कितना लॉस बड़ा पत्र हो जाता है। मैं आपको कहता हूँ आपको कैलकुलेशन करना बहुत आता है, तो कहता हूँ एक दिन का संसार, एक ही दिन का संसार, एक दिन के संसार में एक बार का बोधन ध्यान साथी नरक दे सकता है, इतने साल का संसार जरा कैलकुलेशन कर दो, आपको तो गणित आता है, आपको तो गणित आता है भाई,
लो कि क्या रिजल्ट आ सकता है। ये बस मेरे सुपासना धरा हमारे सामने ये गणित बता रहे। तू कहता है कि चारित्र जीवन में कितना कष्ट, चारित्र जीवन कितना कष्ट। लेकिन अभी तो है ऐसा बोला ही नहीं, अभी आजकल के माता पिता भी समझ गए चारित्र जीवन के कष्ट की बात लड़के के सामने करते ही नहीं है, क्योंकि अपने जीवन का कष्ट देख लिया हो गया। लड़के को पता है कि माँ बाप आप लोग क्या, आपको कितना कष्ट देख लिया, चारित्र में इतना तो कष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। आज घर घर में जो माता पिता की परिस्थिति है, आज आप क्या बोलेंगे चारित्र में कष्ट है वो बोलने का अधिकार किनको है मालूम है? राजा रानी जैसे होते हैं वो अपने राजकुमार को कह सकते हैं चारित्र में कष्ट है, बाकी आप लोगों को तो बोलने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि आपके महाराज साहब दोपहर को एक बजे आप कोची जाते, तो मैं कहता हूँ हम तो एक बजे कोची जाते हैं, गली गली में से जाते हैं, बहुत भारी नहीं पड़ता है। आपको दोपहर को साढ़े बजे एक बजे बाइक लेकर दावणगिरी से 50 किलोमीटर दूर सख्त गर्मी भयंकर गर्मी में 40-50 किलोमीटर दोपहर को 12:30 बजे ठन ठन गर्म पवन आता है और आप भागते हो, हम तो आपको धन्यवाद देते क्या उसका है परिश्रम। हम आप हमको कहेंगे, आप हमको कहेंगे। आज माता पिता भी समझ गए कि लड़के के सामने ये बोलने का रहा नहीं है कि हम सुबह से रात तक जो परिश्रम जो मेहनत जो कष्ट उठा रहे जो कष्ट उठा रहे चाली ग्रह जमीन इतना तो कष्ट है नहीं, चार दीवार के बीच में आराधना करो, भरपूर आराधना करो, ज्यादा से ज्यादा लोग कष्ट है एक वीआर का और एक लोज का, तो लोज तो 6 महीने में एक बार, पूरे बरस में 3 घंटा देना पड़ता, पूरे बरस में 3 घंटा लोज का कष्ट देना पड़ता है, मैं मान रहा हूँ। लेकिन वो भी लोज का कष्ट कैसा है, लोज करने में मूल से बाल निकल रहा है, मूल से बाल निकल रहा है, पहली बार लोज हुआ दूसरी बार में 20-25% कंसेशन होता है, सीधा ही कंसेशन क्योंकि हम ऊपर उठते ही नहीं, दूसरी बार लोज हुआ वापस 10-15% का कंसेशन, देखो कितना हो गया हमारा तो लोज का कष्ट धीरे 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 कम होता जाता है। वीआर का कष्ट लगता है कभी कभी, लेकिन ज्यादा तो मजा आता है, अलग अलग जगह अलग अलग साल अलग अलग संघ अलग अलग निराशरों का दर्शन संघ सभ्यों का मिलना ये सब अलग अलग होता है। एक मस्ती रहती है सुबह सुबह में ठंडा प्रोर विहार करना हमारे आरोग्य लिए भी, दुनिया में कहा है वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, हमको प्रॉब्लम नहीं कहा है। आप समझ गए कि साधु भगवान को भी खर बोलने की जरूरत नहीं, पार्क के तो चार दीवार के बीच में शांति से बैठे, पेट्रोल का भाव बहुत बढ़ता जा रहा है 100 रुपया 105 रुपया 110 रुपया 115 रुपया, आप तो सबका टेंशन है, महाराज साहब को पूछो महाराज साहब पेट्रोल का भाव बढ़ गया, बढ़ गया ठीक है कोई बात नहीं। एक बात कि वर्तमान काल में आप लोगों का संसार इतना कष्टमय हो गया है, इतना संघर्षमय हो गया, इतना स्ट्रगल हो गया है कि आप अभी ये अपने लड़के को ये मत बोलना कि बेटा दीक्षा जीवन में बहुत कष्ट है, लेकिन भूतकाल भूतकाल में राजकुमार वगैरह ने भी दीक्षा लिया है। जब देवनाथ भगवान के पास गस्सु कुमार गए हैं, देवकी माता ने जो गस्सु कुमार को सातवीं मंजिल पर रखा था ऐसी व्यवस्था रखी थी दुख शब्द सुनना भी नहीं मिले, कोई दुखी देखने को भी नहीं, उनका स्टाफ भी ऐसा रखा था सब जवान किसी को कोई भी प्रकार की पीड़ा नहीं होनी चाहिए। गस्सु कुमार को संसार में कहां दुख है उसका पता ही नहीं चलना चाहिए ऐसी देवकी ने व्यवस्था की थी, क्योंकि देवकी के मन में भनक थी, देव ने कहा था वो जवान में रिक्शा ले लेगा, तो देवकी चाहती नहीं थी, तो व्यवस्था ऐसी करनी थी कि उसको दुख दिखाई दे। दुनिया में कहा जाता है दुख दिखाई देता है तो वैराग्य होता है, दुख दिखाई दे तो वैराग्य होता है, दुख दिखाई नहीं देना चाहिए, वैराग्य कैसे होगा। इतने सुख में चेंदर है वे गस्सु कुमार नेमनाथ भगवान पधारे और कृष्ण महाराजा वंदन करने जा रहे थे, तो गस्सु कुमार को भावना हो गई चलो मैं वंदन करने जा रहा हूं। देवकी माता की अनुज्ञा लेकर वो वंदन करने गया और नेमनाथ भगवान की धर्म निष्ठा सुनी, तो नेमनाथ भगवान ने धर्म निष्ठा में ऐसा तो नहीं कहा था, संसार में रहने जैसा है, संसार में रहकर भी धर्म हो सकता है,
जैसे आजकल के माता पिता जो मांग नहीं अति सही नहीं वो कहते हैं कि संसार में रहकर भी धर्म हो सकता है। वो बालक को अपने लड़के को डब्बा में उतारने के लिए बोलते हैं, वही लड़का अगर बाद में संसार में रहा और पूजा सामयिक करने जाए तो वही माता पिता क्या लेकर बैठा है तू समझ, बाद में वही बोलने वाले है। ये तो उसको दीक्षा से रोकने के लिए एक लॉलीपॉप देते हैं कि संसार में रहकर भी धर्म हो सकता है। वो जब करने जाता तब पता चलता है माता पिता कितने साथ देते हैं। लेकिन वो संसार में भी धर्म होता है, संसार में भी धर्म होता है क्या निम्न भोगन ऐसा क्या हो गया वो सुकुमार वो सारे जितने हैं कोई इच्छा लेने की जरूरत नहीं है, संसार में भी धर्म होता है। भगवान ने कहा, भगवान ने संसार का स्वरूप बताया, संसार की विचित्रताओं का स्वरूप बताया, संसार में रही हुई आदि व्याधि उपाधियों का स्वरूप बताया, संसार के एक एक क्षण में हम कितना भविष्य काल के दुख उत्पन्न कर सकते हैं। भगवान ने यह बताया, भगवान ने कहा संसार दुख दुख रूपे दुख फले दुखानुबंधे, जहां स्वरूप भी दुख रूपे जिसका निजल भी दुख है जिसकी परंपरा भी दुख है, ये संसार का स्वरूप है। भगवान ने दुख का स्वरूप बताया, भगवान ने कहा दुख संसार में है चलो मान लेते, उससे बड़ी बात है संसार में पाप भरा है, संसार में कंपल्सरी पाप करना होता है कंपल्सरी, आप चाहो या नहीं चाहो, आपको इच्छा हो या ना हो मकान जाना ही पड़ेगा, मैंने तो रसोई करनी ही पड़ेगी, ऐसी भी बहन मुझे मिले बेचारे को कर्मुल आजीवन त्यागे और उसके पति उसका लड़का आग्रह करते मना के लेते नहीं देती तामसी देती, आपको कर्मुल मुझे बड़ा के लेना है, संसार में कंपल्सरी पाप, इच्छा से पाप होता है आपने कंपल्सरी पाप भी करना ही पड़ता है, यहां आपका छुटकारा नहीं है। भगवान कहते हैं संसार दुख रूप है वो तो अभी भी समझ सकते हैं, लेकिन दुख का जो कारण है संसार पाप से भरा हुआ है, भरपूर पाप करते रहो आजीवन पाप करते रहो, भूल चुक में परलोक और मोक्ष की बात नहीं करते। अगर आप घर में कह देंगे हम कितना पाप करते हो ये सारा पाप करके हम कहां जाएंगे, मुझे लगता है हमारा पाप अपने को कम करना है, बस सारे पाप की हालत पाप की बातें बंद करना है। आप तो कहेंगे अगर तुम जब पुण्य पाप की बात कर ली सारी को किया सारी किया पुण्य पाप पर लग पैक करके रख रहे ऊपर, अभी ये बात नहीं करने की अभी वर्तमान काल में पास तो संसार पाप से भरा हुआ है, यहां चाहो या नहीं चाहो आपको पाप कंपल्सरी करना है, कंपल्सरी करने का नहीं मजा के साथ करना है, प्रेम के साथ करना है, जिम्मेवारी के नाम पर करना है, शोक के नाम पर करना है, पाप करना है, संसार दुख रूपे क्योंकि संसार पाप और पाप रूप संसार का भी मुख्य कारण है संसार ममता और आसक्ति से भरा हुआ है। हम शब्द यूज बहुत अच्छा करते हैं जिम्मेवारी, घर की जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी शब्द तो बोला गया है एक्चुअली घर की ममता है, पति पुत्र पर आसक्ति है कई काम लागे किसने लागे, ये राग से भरा हुआ संसार और वो हमको कंपल्सरी पाप कराता है, इतना पाप में हमको जोड़ देता है, ये हमारी राग दशा हमको इसे पाप में ले जाते हैं भूल चुप में। अब मेरा ये अनुभव होगा भूल चुप में कोई दो चार भाई आए, एक भाई थोड़ा पूजा पूजा करता है मानो, दूसरा भाई मारा साहब को कहता मैं साहब ये धर्म करता है मैं साहब उसको दीक्षा देता, मैं पूछता हूं उसको दीक्षा दे दो तो मुझे क्यों नहीं बोलो, लेकिन वो अंदर मजाक में समझते दीक्षा देना यानी अंधे कुएं में उतरना, सोचता मैं बहुत सुख मिल गया है और दीक्षा जीवन में बहुत त्रास और इसलिए मजाक करता है मैं साहब उसको दीक्षा दे दो, वो जिसको दीक्षा की बात करते वो पीछे नहीं 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 मुझे नहीं इनको दीक्षा नहीं लेनी है विचार, दोनों दुर्भागी दोनों दुर्भागी है, जो मस्करी कर रहे वो भी दुर्भागी है, भविष्य में श्रीमंत जाना मिलेगा तुझे दीक्षा नहीं मिलेगी, मस्करी कर रहे तू अनुभव कर जी मैंने दीक्षा लिया उनकी और अंदर रहने का शुरू करो
रखने का शंकर, होने का शंकर, कब दीक्षा मिले, कब दीक्षा मिले, तो मस्करी कर रहा है वो दूसरा, नहीं नहीं मुझे दीक्षा लेनी है। अरे मूर्ख, इतना बोल मुझे दीक्षा लेनी है, लेकिन मेरा ममता का भाव भाव नहीं हो रहा है, इतना बोल तू सीधा मना कर रहा है, नहीं लेनी है, तू क्यों पाप में उतरता है, तू क्यों टेबल में उतरता है, बोलने तो ये बोल, हाँ अभी दीक्षा नहीं लेनी, बोल सकता है तो बोल सकता है, भाई शायद दीक्षा तो लेने जैसी है, लेकिन मैं कैसा कंभागी हूँ कि मुझे भाव ही नहीं हो रहा है, इच्छा ही नहीं हो रही है, मेरा जैसा पापी कोई नहीं, बोलना तो ये बोल भाई तू, लेकिन बोलता नहीं नहीं जिंदगी में रिक्शा नहीं लेनी है, जैसे कि रिक्शा लेना है भयंकर दुखी है। मैं आपको पूछता हूँ, आज तक मैं कोई साधु को, आज तक मैं कोई साधु को जो नीचा पर हुए बच्चों को, आज तक मैं कोई साधु को आपने दुखी देखा? यहाँ दावर गिरी में तो बहुत सारे साधु साधु भगवान का आना जाना होता है, जब भी कोई साधु भगवान का वंदन करो और साधु भगवान को पूछो साता में हो, तो साधु शिकायत करते हैं, साता पिता है या कितनी तकलीफ है तेरे को पता थोड़ा है, साता पिता है कितनी असाध है। कोई साधु ने कभी कहा नहीं तो है, अरे साधु तो हमेशा मस्ती में है, हर एक परिस्थिति में मस्ती में है, कभी कभार क्षण भर के लिए असाता आ जाती है तो भी और भी दूसरा सुन के वापस आनंद में आ जाता है, मुझे तो मजा है, और क्या साधना करते, क्या मस्ती में रहते साधु है। दोपहर को 12:30 बजे कोई भाई विनती करने आया, मोरा साहब सुबह 15 किलोमीटर करके और दोपहर में 12:30 बजे भाई है साहब मेरे घर पे गोची के लिए बुला, इतना बोलते तो महाराज साहब के मन में विचार साधु के प्रति, ये बेचारा साधु के प्रति दुर्भाव लेकर कहा जाएगा, चलो थोड़ा कौशल कर लेंगे, चल आते बस कितना दूर, सब इतना दूर नहीं है, वो नजदीक ही है, और ले जाता है वो, इसका नजदीक शब्द कभी पूरा नहीं होता, और नजदीक बोलता है तो महाराज साहब समझे नजदीक थोड़ा दूर गया, वो दो घड़ी अभी आ गए बस, अभी छोड़ वो लिखा नहीं बस नजदीक ही है, ऐसे करते करते 1.5 किलोमीटर लेगा, 1.5 किलोमीटर दोपहर को 12:30 बजे लेकर जाता है घर पे, पत्नी को कहता है महाराज साहब को लेकर आया, और मरे पत्नी इसको कहा देती है आज महाराज साहब को लेकर क्यों आया, तो मैंने कहा रसोई नहीं बनाई रसोई नहीं बनाई है, और वो महाराज साहब को 12:30 बजे आकर कहता है महाराज साहब कुछ तो कुछ बोलना पड़ेगा, क्या क्या बोलते जाओ, अभी महाराज साहब को सुबह सच बोलो दोपहर को 12:30 बजे आप दिन में बैठो और आपको खाकरा लिया जाए, फिर भी महाराज साहब चलो भाई बेचारे इतना आग्रह लेकर आए पूरा बिल्कुल, वो गर्मी में ले गया, गर्मी में वापस महाराज साहब आए गुरु भगवान के पास, पसीना उतर रहा है गर्मी के सख्त गर्मी है, आप इतना कर रहा है, और दूसरा कोई भाया सुपर्शनाथ की पूजा दर्शन करके आया, बड़ा श्रद्धालु भाई, बड़ा श्रद्धालु, और वो श्रद्धालु भाई को टाइम नहीं, दो बात तो श्रद्धालु लेकिन टाइम नहीं, तो महाराज साहब शांति से बैठ जाए बाद में वर्णन करो ऐसा कोई ना है, उसको टाइम है श्रद्धालु और टाइम नहीं है, तो वो भी तो महाराज साहब खड़े है और वो बड़ी श्रद्धा के साथ वर्णन करता है, इच्छामि क्षमा सबनो वन्यो जाऊं जय श्री, इतनी शांति से इतनी धीरता से वो वंदन करता है, एक वंदन के इच्छामि और सत्यम नामि दूसरी बार वंदन किया और बाद में ईच का आपको पूछता हूँ इस तरह से वो वंदन करता है, मरा साहब का चेहरा बिगड़ता है या मरा साहब प्रेम से कहते शादी तो हमेशा मुश्किल है, कहने की बात यह साधु तो हमेशा आनंद में रहते और फिर भी आप लोगों को लगता है ये भी साधु तो नहीं होना है, नहीं होना है कारण हो सकता है ममता है आसक्ति बराबर है, लेकिन नहीं साधु तो होना नहीं, एनर्जी है,
ममता है और नहीं हो सकते वो अलग बात है। साधु जीवन के प्रति जो एनर्जी है, मैं कहता हूँ सुपासनाथ भगवान के आप भक्त हो, सुपासनाथ दादा की आराधना करते हो, तो सुपासनाथ भगवान ने कहा टॉप मोस्ट संसार असार है और साधु जीवन ही सार। यह दीक्षा कल्याण की भूमिका पर यह जाना है कि भगवान ने यही बताया कि संसार हर क्षण हर पल दुख रूप पाप रूप राग रूप ममता आसक्ति रूप है। आप चाहो नहीं चाहो भयंकर पति के पास संसार में चक्कर चक्कर चलाता है रहता है, वह संसार के चक्कर को तोड़ना है तो दीक्षा बिल्कुल जरूरी है, कंपल्सरी है। ये तो व्यवहार है कि माता पिता वगैरह को पूछना पड़ता है, बाकी निश्चय तो कहता है जब मेरी आत्मा का मुझे कल्याण करना है मुझे किसको पूछने की जरूरत है, ये तो व्यवहार है। जब स्वयंभु ब्राह्मण को प्रभु स्वामी ने कहा कि अगर तुझे तत्व जानना है तो क्या तत्व न कैसे मिल सकता है, एक बाहर से कोई देता है एक अंदर से प्रकट होता है, वो तुझे कौन से प्रकार से तत्व जानना है। उसने कहा बाहर से कोई बताए वो तत्व में मजा नहीं, अंदर से मुझे तत्व की जानकारी मिल सबसे अच्छा है, तो अंदर से तत्व जानना है दिशा लेनी पड़ती है, चरित्र लेना पड़ता है, ग्रंथों का अभ्यास करना पड़ता है, तब अंदर से तत्व की प्राप्ति होती है। अगर तत्व की प्राप्ति के लिए दीक्षा लेनी पड़ती है तो मुझे दीक्षा लेने के लिए क्या मेरा मुझे दीक्षा। प्रभु समय ने कहा जाओ स्वजनों की अनुमति लेना, और स्वयं ब्राह्मण ने जवाब दिया स्वजन मुझे अनुमति देंगे, स्वजन मुझे कहेंगे जाओ, अगर गया वहां पकड़ के बैठ जाएंगे, मुझे दीक्षा लेनी है, मुझे मेरा आत्मा कल्याण करे, मुझे किसी को पूछना नहीं, आप मुझे दीक्षा दें। हमको युग प्रधान आचार्य कृष्ण जो सैनिक उसके पीछे ये कथा है, निश्चय कहता है जब तुझे तेरी आत्मा का कल्याण करना है, मानव भव आत्मा कल्याण के लिए मिला है, तब किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, यह निश्चय कहता है। लेकिन हम व्यवहार में लेते और इसलिए पूछने का व्यवहार होता है कि माता पिता को पूछो, पत्नी परिवार को पूछो, इनको पूछो, ये एक व्यवहार है। और तकलीफ सबसे बड़ी ये है कि अगर ये व्यवहार करने जाते हैं तो माता पिता छोड़ो दादा दादी पकड़ते हैं, अभी आप तो बूढ़े हो गए, आप तो जिन्ना कितना बाकी है सुकृत कर लो, वो पकड़ के नहीं मेरा पोता, नहीं मेरा पोता, नहीं मेरा पोता, वो दादा दादी पकड़ के बैठते, माता पिता तैयार होते तो दादा दादी रोकते, दादा दादी तैयार होते तो बड़े पापा छोटे पापा क्या क्या आ जाते, सारे स्वजन कोई दीक्षा की बात करते तब सारे स्वजन आ जाते, संसार में गया और बेचारा दुखी हो गया कोई स्वजन आता है। दुनिया में सज्जन का काम घोड़े पर चढ़ाने का है, फिर वो घोड़ा तूफानी निकला तो आप जानो संसार की। तो भगवान ने कहा है एकमात्र चारित्र जीवन ही आराधना का क्षण, और वही चारित्र की आराधना के लिए आज सुपासना दादा की हमको भक्ति करनी, सुपासना भगवान के पास ये मांगना है कि भगवान अगर ये मानव भोग की सफलता सार्थकता संपूर्णता मात्र चारित्र से हो सकती है, तो हे सुपासना दादा आज तो मेरे चारित्र के कोई भाव नहीं है, कोई मुझे वैराग्य नहीं है, बस दादा आपके पास इतना ही मांगता हूँ, आपने जो चारित्र ग्रहण किया वो चारित्र पीछे आपके पास जो वैराग्य का ऐसा वैराग्य का पास मुझे वही वैराग्य मुझे चाहिए, आप मुझे वो दे दो। अगर सुपासना भगवान के रिश्ता कर जाने की आराधना करनी है तो हमको सुपासना दादा के पास एक ऐसा कुछ नहीं चाहिए, और चाहते कि मजा वही है, एक ही बजता है दो निकल जाता है, नथिंग आई वांट में आई भी निकल जाता है वन भी निकल जाता है, बजता है क्या क्या बजता है नथिंग, जो नथिंग में आ जाता है वो एवरीथिंग हो जाता है। ये मजा है, हम सब सुपासना दादा की आज ईसा कल्याण की आराधना करते करते ये भावना में जाए। आज सुपासनाथ भगवान के लिए आज का जाप क्या मांगू, ओम रेम से सुपासनाथ नाथाय नमो। जब भगवान का जन्म करवा तो अहते नमो के लिए आज हम क्या बोलते हैं नाथाय नमो। नाथ का अर्थ क्या, योग और क्षेम करे वो नाथ कहा जाता है, जो मेरे पास नहीं है वो मुझे दे, जो मेरे पास है उसकी सुरक्षा करे उसको नाथ कहा, योग क्षेम करने वाले को नाथ कहा जाता है। मेरे पास वैराग्य नहीं है भगवान मुझे वैराग्य दो,
मेरे पास जो वैराग्य है कभी भी वो वैराग्य साथ ना हो जाए, हमेशा वैराग्य प्रबल रहे। भगवान आप मेरे नाथ बनो, उपासनाचार्य के पास हमको ये मानना है आप मेरे नाथ बनो, नहीं वैराग्य था वैराग्य मुझे दो, जो वैराग्य आया है वो परमानेंट हो जाए। भगवान आप मेरे जो सेम करके नाथ बनो, ये उपासनाचार्य के पास हम प्रार्थना करेंगे। आज के आज उपासनाथ भगवान की दीक्षा करेंगे। इतना आपके सामने रुझु किया है, जो भी इतना क्या कुछ भी कहा हो इच्छा नहीं।